हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और मैं फिर से आ गया हूँ कुछ बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स लेकर। एंड आई एम श्योर कि इन फैक्ट्स के बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। अच्छा, आप फैक्ट्स की वीडियोस तो बहुत देखते होंगे, लेकिन मैं आपके लिए खूब रिसर्च कर हैंड पिक्ड फैक्ट्स लेकर आता हूँ। वेल डन, जिन्हें जानकर आप कह सकें वाओ। तो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं और अपनी इस फैक्ट्स की ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ भी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक जीव कौन सा है? इंसान, शेर, शार्क, बैट्स? जी नहीं, वो बेहद ही खतरनाक और जानलेवा जीव है, एक मॉस्किटो। असंभव। जी हाँ, एक मच्छर जो आपको तालियां बजाने पर और हर जगह खारिश करने पर मजबूर कर देता है। और यही मच्छर पूरी दुनिया में मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर, जीका वायरस, चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियां फैलाता है। इनफैक्ट पिछले 30 सालों में डेंगू के केसेस 30 गुना बढ़ गए हैं और ये हर साल लगभग 10 लाख लोगों की जान लेता है। तो अपने आसपास की एरियाज को साफ जरूर रखना और ये मत कहना कि नहीं भाई, बैट सबसे खतरनाक है क्योंकि उन्होंने कोरोना फैलाया। नहीं, फिर भी मच्छर हर साल सबसे घातक साबित होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। बात करते हैं दुनिया के लार्जेस्ट एनिमल यानी ब्लू व्हेल की। ये तो आप जानते ही हैं कि एक ब्लू व्हेल कितनी विशाल होती है, लेकिन आप ये जानते हैं कि उसका दिल कितना बड़ा होता है? मेरा मतलब ये नहीं कि वो अपना शिकार को जाने देती है क्योंकि उसका दिल बड़ा है, वो दिलदार है। नहीं, बट एक्चुअली में उसका दिल कितना बड़ा है? उसका दिल 5x4x5 फीट बड़ा है और तकरीबन 180 किलो जितना भारी है। क्यों हिला डाला ना? एक हाथी के दिल से 14 गुना ज्यादा भारी। क्या बात है? और एक इंसान के दिल से 640 गुना ज्यादा भारी। What? What the fuck? अब चलिए थोड़ी अंदर की बात कर लेते हैं। और ये फैक्ट सुनते समय आपको शायद अपनी नाक भी बंद करनी पड़ेगी। हाँ जी। या फिर आप एक डिस्गस्टिंग सा एक्सप्रेशन दे सकते हैं। कोई बात नहीं। बात यह है कि किसी भी मैमल की जो पूप होती है ना, उसकी शेप से तो आप सब वाकिफ होंगे। क्यों नहीं? बड़े कैसा क्रीचर है जिसकी पूप की शेप कुछ अलग ही है। भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए हैं? वॉम्बैट एक ऐसा जानवर है जिसकी पूप क्यूब शेप की होती है। उनकी इंटेस्टाइन्स की इलास्टिसिटी ऐसी है कि जब वो हल्के होने जाते हैं, जो कि वो एक रात में 100 बार भी जा सकते हैं, तो वो 2 सेंटीमीटर की क्यूबिक पूप छोड़ते हैं और उसे अपनी टेरिटरी मार्क भी करते हैं। यानी जहां जहां मैंने हगा है, माने ये मेरा एरिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? गूगल? नहीं, वो है बैकरब। अरे आपको जानकर हैरानी होगी कि जब लैरी पेज और सर्जी ब्रिन पहली बार मिले तो बहुत समय तक तो वो एक दूसरे के आइडिया से खुश नहीं होते थे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। बट फाइनली उन दोनों ने मिलकर एक सर्च इंजन बनाया और उसका नाम रखा बैकरब, जिसे आज हम गूगल ही बुलाते हैं। लेकिन उन्होंने इसका नाम गूगल क्यों रखा? मैथ्स में एक एक्सप्रेशन होता है, एक के आगे 100 जीरो, यानी कितना बड़ा नंबर हो, जिसे कहते हैं गूगल। बस उसी से सर्च इंजन का नाम रखा गया गूगल, यानी एंडलेस। दोस्तों, यूएसए में एक कैंडी बहुत ही फेमस है जिसका नाम है टूटसी रोल। जैसे लॉलीपॉप होती है, वैसे ही समझ लीजिए। ये इतनी फेमस इसलिए हो गई क्योंकि पहले तो इसका एक कार्टून एनिमेटेड एडवर्टाइजमेंट आया था, जिसमें एक वियर्ड सा बच्चा जानवरों से पूछता है कि भाई, इस टूटसी रोल के सेंटर में पहुंचने के लिए इसे कितनी बार चाटना पड़ेगा। कुछ साल पहले ये एक्सपेरिमेंट किया और उनका टोटल आया था 270 लिक्स। देन रिसेंटली मैट पैट ने भी ये चैलेंज लिया और उसका टोटल आया 117 लिक्स। लाइक सीरियसली, इतना टाइम है लोगों के पास? बट ये कई कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को बीट नहीं कर सकते जो कि बॉस की चाटने में माहिर होते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। बचपन में बहुत सी लड़कियों के पास डॉल होती थी और उन डॉल्स में भी शाही और महंगी डॉल होती है, बार्बी डॉल। आप सबने सुना है राइट? वेल, बार्बी का पूरा नाम भी है जो कि है बारबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स, और उसका ऑफिशियल बर्थडे भी है 9th March 1959। काफी बूढ़ी हो गई अब। इस दिन वो पहली बार दुनिया के सामने लाई गई थी न्यूयॉर्क टॉय फेयर में।
बार्बी के इंस्टाग्राम हैंडल है @barbiestyle, जो कि लॉन्च हुआ था 2014 में और ये उस समय का फास्टेस्ट ग्रोइंग फैशन हैंडल था। एक और मजेदार बात यह है कि हर मिनट लगभग 100 बार्बी डॉल्स बेची जाती हैं और अब तक 58 मिलियन डॉल्स बिक चुकी हैं। पफर फिश, जिसे हम ब्लो फिश भी कह सकते हैं, उसका साइंटिफिक नाम है टेट्राओडोंटिडे। ये कैसी डाइन का नाम है? और इसके अंदर एक जहरीला पदार्थ होता है जिसका नाम है टेट्रोडोटॉक्सिन, और ये इतना जहरीला होता है कि एक पफर फिश 30 इंसानों को मौत के घाट उतार सकती है। लेकिन हम इंसान तो हैं ही इतने बड़े विचित्र जीव। पफर फिश जापान में एक बहुत ही मशहूर डिश है जिसे वहां पर फुगू कहते हैं, और ये बहुत ही महंगी डिश होती है। इनफैक्ट इसे हर कोई नहीं बना सकता, पर कुछ ट्रेंड लाइसेंस्ड शेफ्स ही इसे बना सकते हैं, क्योंकि ये गलती और कस्टमर सच में मर जाएगा, और कई बार कस्टमर्स अपनी चाहत मिटाने के लिए खुद मिट भी चुके हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बुजुर्ग ओल्डेस्ट लिविंग एनिमल है एक टॉर्टोइस जिसका नाम है जोनाथन, जो कि आज यानी 2022 में 190 साल का हो चुका है। जोनाथन पैदा हुआ था 1832 में, यानी वो अब तक दोनों वर्ल्ड वॉर्स देख चुका है, रशियन रेवोल्यूशन देख चुका है, और यहां तक कि 40 US प्रेसिडेंट्स भी। ये आइफिल टावर से भी बुजुर्ग है, ये अंग्रेजों के जमाने को भी देख चुका है और आज के छपरी यूनिवर्स को भी। यहां तक कि इंसान ने पहले किसी इंसान की फोटोग्राफ भी 1838 में ली थी, यानी जोनाथन के पैदा होने के 6 साल बाद। जोनाथन पैदा सीशेल्स में हुआ था, बट 50 साल का होने के बाद उसे सेंट हेलेना आइलैंड ले जाया गया। ये तो टॉर्टोइसेस का असली दादाजी निकला भाई। दोस्तों, क्या केला खाने से आपकी जान जा सकती है? चलिए मैं बताता हूं। एक केले में अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम होता है, और उस पोटेशियम में भी एक बहुत ही माइनर अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। वेल, आपको जानकर शॉक जरूर लगेगा कि एक ह्यूमन बॉडी में एवरेज 130 ग्राम पोटेशियम होता है, तो आप ऑलरेडी रेडियो एक्टिव हो। और हमारी बॉडी टाइम टू टाइम पोटेशियम एक्सक्रीट आउट भी करती रहती है एक बैलेंस बनाने के लिए। हमारी बॉडी में मौजूद पोटेशियम ऑलरेडी एक केले में मौजूद पोटेशियम से 280 गुना ज्यादा है, और अगर आप 50 मिलियन यानी 5 करोड़ केले खा लें तब आपकी जान को खतरा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो बिंदास खाइए, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो पालक, आलू, संतरे में भी है। सो दोस्तों, आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ बहुत ही वाओ अमेजिंग फैक्ट सुनने को मिले होंगे। इनमें से कितने फैक्ट्स के बारे में आपको पता था, नीचे कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ठोक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही और मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।